एक बार एक सेठ ने खाने दे उपर एक फकीर नू सद्दा भेजा, पर क्योंकि फकीर दा उस दिन बरत रख्या सी इसलिए वह आप ना गया ते उसने अपने दो चेलियां नू खाने दे उपर भेज दिता। जदों चेले वापस आए तो उन्हां विच्चों एक बड़ा खुश सी ते एक बड़ा उदास। फकीर नू ये देख के बड़ी हैरानी हुई ते उसने पूछया कि सेठ ने तुहानू दोवां नू वखरा वखरा भोजन दिता? नहीं गुरु जी। कि सेठ ने तुहाडे दोवां दे बैठण दे आसन च कोई फर्क रख्या? नहीं गुरु जी। तो कि सेठ ने तुहानू दोवां नू दित्ती दक्षिणा दे विच कोई फर्क रख्या है? तो चेले ने जवाब दिता कि नहीं गुरु जी, दोवां नू दो दो रुपये बराबर दिते ने। तो फकीर फिर होर हैरान हो गया तो उसने अपने दुखी चेले तो पूछया कि फिर तू दुखी किस गल तो है? तो दुखी चेले ने जवाब दिता कि मैं तो सोचता सी कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, घट्टो घट 10 रुपये तो दक्षिणा जरूर देगा, पर उसने सिर्फ 2 रुपये दिते ने, इसलिए मैं दुखी हाँ। हुण फकीर ने दूसरे चेले नू पुछया कि तू खुश क्यों है? तो दूसरे चेले ने जवाब दिता कि गुरु जी, मैं जानता सी कि सेठ बहुत कंजूस बंदा है, मैनू लगता सी कि 8 आने तो वध दक्षिणा वह कदे भी नहीं दऊगा, पर उसने तो 2 रुपये दे दिते, इसलिए मैं बहुत खुश हाँ। दोस्तों बस यही साढ़े सब दे मन दा हाल है। संसार विच घटनावां सारयां दे लई समान रूप विच हुंदियां ने, पर कोई उन्हां ही घटनावां तो सुख प्राप्त कर लैंदा है ते कोई दुख। पर असल दे विच ना ही तां इत्थे दुख है अते ना ही सुख। सुख ते दुख दोनों ही तुहाडे मन दी स्थिति ते निरपर करदे हन। इसलिए अपने मन नू परमात्मा दे चरणां विच लगा के रखो ते अपनियां फजूल दियां इच्छावां नू दबा के रखो, क्योंकि असी दुखी उदों ही हुंदे हाँ जदों साडी इच्छा पूरी नहीं हुंदी। इस तरह खुश भी उदों ही हुंदे हाँ जदों साडी इच्छा पूरी हो जाती है। अगर वादू दियां इच्छावां होणगियां ही नहीं तां दुख ते सुख दे इस झंझट चों असी बाहर रहांगे। बाकी दोस्तों अगर सुखी जीवन चाहुंदे हो तां सरल जीवन जियो, क्योंकि जिन्ना सरल रहोगे उन्ना जिंदगी च सुकून महसूस होवेगा। जिंदगी दे विच अपने आप नूं कदे भी हंकार दे जाल च फसण ना देवो। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਲਵਿਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।